दृश्य दो जिसमें डाकिया चिट्ठी लेकर किसान के पास आता है। पोस्ट पोस्ट पोस्ट। अरे क्या करते हो? नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम हितेश। हमने अपने बेटे से पढ़ाओ और उसको पढ़ाओ ना। दृश्य तीन। हे भगवान, ये पढ़ना ही नहीं आता। मैं क्या? दृश्य तीन जिसमें एक एक करके तीनों व्यक्ति रास्ते पर से गुजर रहे होते हैं। किसान उनको रोक लेता है अपनी चिट्ठी पढ़ाने के लिए। अरे ये हितेश ने देख लिया तो चिट्ठी माफ करेगा। अरे अरे आशीष बाबू, आशीष बाबू, आशीष बाबू, आशीष बाबू, पढ़ नहीं पढ़ना है। हाँ पढ़ना पढ़ना है। हाँ हाँ पढ़ना। शाम का नहीं पढ़े, हमें सुबह दिखाई नहीं देता। ये तो आपने कल ही बताया है। हमने दिखाई, मैं बता रहा हूँ ना, हम शाम को पढ़ेंगे। शाम को पढ़ेंगे हम, अरे शाम को पढ़ेंगे, बता रहे हैं हम। अरे क्या कर रहे हो भैया? पढ़ना है? अरे खाना है का? नहीं नहीं पढ़ना है। बिरयानी खा के आए हो कल? नहीं नहीं पढ़ना है। स्वादिष्ट? स्वादिष्ट नहीं पढ़ना नहीं। अरे भैया हम शाम को पढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं, अरे भैया बस बस। अरे लगता है कौन नया गांव में, कोई नया आया। सर सर ठीक है, पढ़ना पढ़ना है? नहीं नहीं पढ़ना है। अच्छा पढ़ना है। आगे नहीं आए क्या? वो तो तीन दिन से नहीं आए। आए ना कि सावन नहीं है ना? अच्छा अरे यार इसे कैसे समझाऊं, मेरे को पढ़ना नहीं आता, क्या करूं? पता रहे हो सर? अरे सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। अरे अरे आता है इसमें सिग्नल? अरे आता है सिग्नल? अरे आता है इसमें? यहाँ पे, यहाँ पे। साफ साफ बोलो तुम्हें पढ़ना नहीं आता। साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। हमारे घर में दृश्य चार जिसमें डाकिया एक बार फिर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, परंतु किसान उसे एक बार फिर रोक लेता है। पोस्ट पोस्ट। क्या सुबह से क्या कर रहे थे आप? सुबह से पढ़ना तो पढ़ा नहीं आप, तीन बार मुझे फोन नहीं पड़े। अच्छा काम पढ़ते हैं। ये दामाद आपके सास ससुर की तरह। पूरे दिन रोज हटे। प्रिय दामाद आपके सास ससुर की तरफ से ये खत है, आपकी पत्नी। बोलो और काम नहीं का? बोल देते हैं, रोना नहीं। आपकी पत्नी ने कल एक बच्चे को जन्म दिया है। रो नहीं, हमार पत्नी हमार दादू। अभी आप सभी ने देखा कि मेरे साथ क्या हुआ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस में ऐसा कुछ न हो तो आपके आस पड़ोस में सभी को पढ़ाई की और उत्तेजित करें। तो देखा आपने, तो पढ़कर क्या करेगा? इन सबके माँ बाप ने भी इन्हें यही कहा होगा। शायद यही कारण है कि आज ये लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाए। आप सब मिलकर इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि
पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा।